नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। दोस्तों, आस्था की बात एक ऐसी बात है जिस पे बतंगड़ भी हो सकती है, और ये आपकी समझदारी है कि आप किस बात को कैसे लेते हैं। नहीं तो कैलाशपति भोलेनाथ महादेव को अब ठंड लग रही है, और मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है जिसमें मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को गीजर लगाया जा रहा है गर्म पानी, और उससे रात में 8 बजे आरती के लिए स्नान कराया जाता है। उनके मंदिर के गर्भगृह में हीटर की व्यवस्था की जाती है, गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। कई ऐसे मंदिरों की बात अब सामने आ रही है जहां पर भोलेनाथ समेत अन्य देवी देवताओं को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। उनका जो प्रसाद आज तक चढ़ता रहा था ट्रेडिशनल, वह बदलकर पूरी सब्जी, गजक, बेसन के लड्डू, ये सब सभी चीज़ सामने आ रहा है। आस्था की जब हम बात करते हैं तो इस पर प्रश्न उठाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह भावनाओं का खेल है। और क्या ऐसा तो नहीं कि इस भावनाओं के पीछे कोई प्रचार का माध्यम काम कर रहा हो? क्योंकि मंदिरों के में जो गर्म व्यवस्था की जा रही है, वो भी भोलेनाथ के लिए गर्म स्थान की व्यवस्था की जाती है, गीजर की व्यवस्था की जाती है, हीटर की व्यवस्था की जाती है, वह उनके लिए जिन्हें हम बाबा बर्फानी कहते हैं, जो बर्फ के उस पहाड़ पर खुद विश्राम करते हैं। लेकिन इसे तवज्जो दिया जाता है, पुजारी इसके नाम पर जो कर रहे हैं उसे शायद आस्था नहीं कहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आप मंदिर तो जाते ही होंगे, मंदिरों में बढ़ती ठंड के साथ भगवान को भी ठंड से बचाने पर मंदिर के पुजारी ध्यान दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि मंदिरों के साथ साथ घरों में महिलाएं भी अपने लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहना रही हैं। यह आस्था का वह सैलाब है जिसे भक्ति कहते हैं। भक्तों पर जो बीतती है तो उसे लगता है कि प्रभु पर भी कुछ वैसा ही घटित हो रहा है। ठंड में गीजर से गर्म पानी और हीटर की व्यवस्था, तो गर्मी में कूलर और एसी की व्यवस्था। भगवान भले ही कैलाश के शिखर पर निवास करते हों, लेकिन प्रेम से सराबोर भक्त उनके सामने स्थित भगवान भोलेनाथ को मौसम के अनुकूल व्यवस्था करेगा, तभी तो प्रसाद के स्वरूप में भी बदलाव होगा। मेथी के पराठे, सब्जी, केसरिया दूध और गर्म जलेबी भगवान को भोग लगाए जा रहे हैं, जो सभी मौसम के अनुकूल है।